केजरीवाल को ईडी की समन के बाद चढ़ा दिल्ली का पारा। क्या सिसोदिया संजय सिंह के बाद केजरीवाल की बारी? जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था। आपका आरोप, इंडिया से डरी मोदी सरकार। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को भी अरेस्ट किया जाएगा। बीजेपी बोली, केजरीवाल ही घोटाले के मास्टरमाइंड। क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद के हो सकता है क्या? विपक्ष ने ईडी को क्यों बताया चुनावी हथियार? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। क्या ईडी के सामने हाजिर होंगे केजरीवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। शराब का सवाल, अब की बार केजरीवाल। शराब घोटाले की जांच की आंच तो केजरीवाल तक अप्रैल में ही पहुंच गई थी, जब 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। और अब बारी है जब केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करेंगे। उन्हें ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। जब से उन्हें समन भेजा गया है तब से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसीलिए एक एक करके इंडिया के नेताओं को चुनावी हथियार ईडी के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पूछताछ कानून के तहत हो रहा। घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं, ये बीजेपी दम भर रही है। हम आपको वार पलटवार का सिलसिला दिखाएं, उससे पहले देख लीजिए क्या कहते हैं आंकड़े। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है। ईडी ने कुछ दिनों पहले जो बताया है वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दिखा रहे हैं कि ईडी की फांस किन नेताओं पर है। एक एक करके, चाहे वो आरजेडी के तमाम नेता हो, उन तमाम नेताओं पर जिन पर फांस है उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ईडी का केस है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, कई दिनों से कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि ईडी ने क्या दावे किए हैं, ईडी किस तरह की जानकारी दे रही है उन तमाम केसेस के बारे में जो पिछले दशक में। ये देखिए ईडी की फांस, मनीष सिसोदिया, सत्येन जैन आपके नेता। यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 112 मामले थे ईडी के, जबकि ईडी का जो छापा है वो एनडीए सरकार में 3010 है, 14 से 22 के बीच में। जो अगला आंकड़ा है वो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन में आप देखें तो कई गुना केसेस बढ़ जाते हैं। 2014 से अब तक जो केसेस हुए हैं उसमें 6 केसेस बीजेपी या एनडीए के साथियों पर है, 24 कांग्रेस, 19 टीएमसी, एनसीपी 18, डीएमके 6, बीजेडी 6, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5 और आम आदमी पार्टी के, ये आपने देख लिया, 4 नेताओं पर केस ईडी का चल रहा है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो नेताओं में ईडी के मुताबिक, अब ये ध्यान से देखिएगा, 2005 से जनवरी 2023 तक, यानी इस साल के जनवरी तक 18 साल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुल 5906 केस दर्ज किए, लेकिन इसमें केवल 2.98% केस ही नेताओं पर है, यानी पूर्व सांसदों पर, विधायकों पर, दूसरे नेताओं पर है। यही वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ हम नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो केस में छापे हैं वो आप देख रहे हैं 9% नीचे है, और ये देखिए नेताओं पर जो केसेस है वो आप देख रहे हैं 2.98%। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की छापेमारी से विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। ईडी के मुताबिक कुल केस के 9% मामलों में ही ईडी ने छापा मारा है अभी तक। 9% केसेस में सिर्फ ईडी छापेमारी करती है, यानी अगर 100 केसेस है तो 9 केसेस में छापेमारी, 3% से भी कम केसेस में छापेमारी नेताओं के ठिकानों पर हुई है। ये ईडी का दावा है, ये ईडी के मुताबिक जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद जो कन्विक्शन रेट है, सजा की दर है, वो खत्म बहुत कम है, लेकिन इस पर भी ईडी का जवाब आया है। ईडी ये दम भरता है कि ने बताया है कि 25 मामलों में ही ईडी की जांच के बाद ट्रायल पूरा हुआ, जिनमें से 24 मामलों में दोष सिद्धि हुई, इसलिए ईडी अपना कन्विक्शन रेट 94% बता रही है, 94%। ईडी के मुताबिक नेताओं के घर पर छापे 3% हैं, 24 आउट ऑफ 25 केसेस में ट्रायल पूरा हुआ है,
कोर्ट में ट्रायल चलता है, वो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अगर ट्रायल लंबित है तो ये कोर्ट का मामला है। लेकिन 25 केसेस में ट्रायल पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और ट्रायल जिन केसेस में पूरा हुआ है 25 केसेस में, उनमें से 24 केस में जो हमने कहा था वो व्यक्ति जिसे आरोपी बनाया था वो दोषी करार दिया गया है, यानी हमारा कन्विक्शन रेट 94% है। ये ईडी का दम है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गई है और गर्म हो गई है दिल्ली के साथ साथ एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सियासत। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, धांधली के पैसे का हिसाब मांगते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। शराब घोटाले में ईडी की पेशी से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में पोस्टर्स लग गए हैं। लिखा है 338 करोड़ का हिसाब दो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। इधर अरविंद केजरीवाल आज सामने आए, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया और बाद में दिवाली की शुभकामनाएं देकर चले गए। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा काली पूजा अभी हुई है, सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। फिर आए सांसद राघव चड्ढा और केजरीवाल से होने वाली ईडी की पूछताछ को सीधा इंडिया गठबंधन की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की साजिश बता दिया। आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद बाकी लोगों का नंबर है, बीजेपी की रणनीति है कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल। या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो सातों की सातों सीटें बीजेपी हार रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है, इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा था। फिर कुछ ही घंटों बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आ गया। उन्हें कल ईडी ने दिल्ली ऑफिस में बुलाया है। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मुझे लगता है शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, एक ही तरफ जा रही हैं और वो इशारा कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सरगना की ओर, जो कि अरविंद केजरीवाल है। सारे के सारे तार जुड़े हुए हैं और वो तार जुड़ते हैं और ये पूरी कहानी का जो सिलसिलेवार जो शुरुआत होती है वो खत्म होती है केजरीवाल के घर तक। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन शायद आम आदमी पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इस मामले में जिन नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में है। अरविंद केजरीवाल से शुरू करने का इन्होंने पहल की है वो यही नहीं रुकने वाला है। उन्होंने चारों तरफ जो है चक्रव्यूह अपने बिसात बिछाने शुरू कर दिए। वो ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर के हेमंत सोरेन पे जाने वाला है, ममता बनर्जी पे जाने वाला है, ये स्टालिन पे भी जाने वाला है, बिजन पे भी जाने वाला है। वो करते करते पूरे देश के अंदर जो भी अपोजिशन है उन सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, 2024 का चुनाव हो या ये 5 राज्य के चुनाव हो जहाँ पे इनकी हार बिल्कुल तय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बौखलाहट से इंडिया अलायंस और मजबूत होता जा रहा है, उस बौखलाहट से घबराहट से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो सुल्तान से सहमत नहीं है संबंध तो उसको जाते ही रहते,
जाते रह रहे हैं। जो भी इस देश में आदरणीय मोदी जी और बीजेपी से असहमत हुआ है, चाहे वो छात्र रहे हो, चाहे किसान रहे हो, चाहे नौजवान रहे हो, चाहे महिलाएं रहे हो, चाहे पहलवान रहा हो, चाहे पत्रकार रहा हो, चाहे नेता रहा हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हो, उनको आतंकी, नक्सली, खालिस्तानी, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, चीनी, इन सब चीज़ों से नवाजा जाता रहा है। और इसके बाद बियॉन्ड भी जा करके उनको जांच एजेंसियों से दबाया जाता रहा है। किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया? शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो, कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। वो दम भर रहे हैं कि एक डरी हुई सरकार साजिशन अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। बीजेपी भी यही कह रही है कि घोटाले में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, और इसी बहाने दिल्ली में छिड़ गई है सबसे बड़ी सियासी जंग आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं, और अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आप लोगों को कैसे पहले से पता रहता है, मनोज तिवारी ने पहले ही कह दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल की भी इस मामले में गिरफ्तारी होगी। वो कह रहे हैं सियासी हथियार बना लिया है आपने ईडी को, नेताओं को जेल में भर रहे हैं, टॉप लीडरशिप। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम भ्रष्टाचारी लीडर पढ़ाई लिखाई करते तो इस तरह के सवाल भी ना पूछते। कैसे पता चल जाता है? आपने एक सवाल पूछा, पूरा भारत, पूरा दिल्ली कह रहा है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी, और साथ में ये भी कह रहा है आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। अब मैं सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पे आता हूं जो 30 तारीख को आया है। अंजना जी, आपने कहा ना क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सख्त टिप्पणियां करी है, 8 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे महाभ्रष्टाचारी पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उनको बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, एक मामले में नहीं दो मामले में, सीबीआई के मामले में भी और ईडी के मामले में भी। और सख्त टिप्पणी क्या करी है मैं आपको बताऊं। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि 338 करोड़ रुपए क्विड प्रो को, मतलब जो सरकार का कोष है उसको हानि, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भर जानी, और ये स्पष्टता से कहा है। दूसरी बात, जिसको कट्टर ईमानदार बुला रहे थे मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, 2 मोबाइल फोन नष्ट करते हैं क्योंकि उनको साक्ष्य और प्रमाण मिटाने होते हैं। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए अंजना जी कि अरविंद केजरीवाल क्या कानून से ऊपर है? पहला ये क्या पूछा नहीं जाएगा? आप में बताते हैं कि पत्ता नहीं हिलता है, पत्ता नहीं हिलता है अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना। तो ये जो सारा शराब घोटाला हुआ ये बिना उनकी सहमति के हुआ है क्या? ये भी संभव नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, आप बताइए अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में कूदे क्या कहते थे, याद है अंजना जी आपको? वो कहते थे अगर किसी पे आरोप भी लग जाए तो उसको चाहिए कि जो पद उसने लिया हुआ है उससे इस्तीफा दे, और फिर जब साफ हो जाए उसका नाम तब वापस आए। आज यही असूल अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जो कमिटी बनाई गई जिसने ये सिफारिश करी थी शराब नीति की, उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा था? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और इन्हीं के घर पे मीटिंग होती है। और मत भूलिए, एक शराब कारोबारी के लिए कहते हैं फेस टाइम करके, मेरा ही बेटा है इसका ध्यान रखना। अब आप मुझे बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के बेटे की तरह हैं? अरे दिल्ली की जनता फिर क्या है जिनको लूट खसोट रहे हो? और सबसे बड़ा सवाल अंजना जी जो पूछना चाहिए,
आप क्या कहती हैं, ये क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, आपने सख्त टिप्पणी देखी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? ईडी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा है? 6 बार इनकी बेल रिजेक्ट हुई। अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचारी है तो असली भ्रष्टाचारी किंग पिन सरगना जो है इस घोटाले का वो तो अरविंद केजरीवाल है। तो सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन हुआ? अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद। ठीक है कुलदीप कुमार जी, अब जवाब दीजिए, अगर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, इसके बाद में रोहन जी फौरन आपके पास आऊंगी, गंभीर आरोप है, ऐसे में सवाल है कि हर चीज को साजिशन कह देना सा तो बहुत आसान है। बोलिए कुलदीप जी। अंजना जी मुझे समय दीजिएगा। पहली बात तो ये कि गौरा भाटिया जी और इनके साहब के मुंह पे जो ये लाली है ना, ये अडानी की दलाली है, इनको ये बता दीजिएगा, इनको ये पता है, पूरा देश जानता है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अंजना जी बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने भी आपके चैनल पे कहा कि जो कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने ये कहा कि सरकार को नुकसान हुआ है, पहले मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि इस पॉलिसी के आने के बाद सरकार को सरकारी खजाने में फायदा हुआ है ना कि नुकसान हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने 338 करोड़ रुपए की बात करी, कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए के लिए कहा है कि जो कमीशन 5% से बढ़कर 12% हुई उसका फायदा कारोबारियों को पहुंचा, ना कि उससे को मनीष सिसोदिया जी का लेना है ना उनके अकाउंट में। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी आज तक की डेट में कोई भी सबूत मनी ट्रेल के आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है, ये बात गौरा भाटिया जानते हैं और स्पष्ट रूप से ईडी को लताड़ने का काम किया। खैर मैं इन चीजों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे पे जा रहा हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि ये आज की लड़ाई नहीं है। अरे अरे एक सेकंड कुलदीप जी, वो उस चीज पर जाते हैं, एक सेकंड उस चीज पर जाना बहुत जरूरी है। तो पहले पूरी हो जाए अंजना जी। नहीं नहीं आप पूरी कर लीजिएगा, लेकिन आपने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से गलत है ना सर, तो आपको करेक्ट करना जरूरी है। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है क्या आपके पास है? क्या आपके पास है? नहीं आपके पास तो होगा, पढ़ दीजिए। ठीक है, तो मैं पन्ना नंबर 31, अगर हमारे दर्शक भी हैं, पन्ना नंबर 31 और पन्ना नंबर 35, दो पेजेस, पेज नंबर 31, पेज नंबर 35। दर्शकों के लिए इसीलिए हमने ग्राफिक्स भी बना लिए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में जो कथित भूमिका को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम को, डेप्यूटी सीएम को कहा है, उसको लेकर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवीएन शेट्टी ने क्या कहा है मनी ट्रेल को लेकर, हम आपको बताते हैं। पन्ना नंबर 31 पर कुलदीप जी ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा है, ऑन द अदर हैंड द एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय होलसेलर्स, यानी जो होलसेलर शराब के होलसेलर्स ने कमाई की है 338 करोड़ रुपए की, 5% से के बजाय 12% की, ये बात तो आप स्वीकार रहे हैं, ये बात तो आप स्वीकार रहे हैं कुलदीप जी। अब पन्ना नंबर 35 पर आइए, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को 338 करोड़ रुपए का, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिलेटिंग टू अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड एज पर द डीओई, दीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। समझ गए आप? एक दो लाइन और पढ़ दीजिए, उसी के नीचे अंजना जी, उसके नीचे का भी, उसके नीचे भी है, 5% से जो 12, दिस फिगर कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, 5% से जो 12% हुआ, धन्यवाद धन्यवाद। वो जो पैसा है ना, उसमें साफ लिखा है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है, और उसमें साफ कोर्ट ने कहा है, जजमेंट में कहा है, पन्ना नंबर 35 और 36 को मिलाकर मैं आपके सामने, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी ये एक ऐसा अपराध है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत आता है। ये ग्राफिक्स हटा दीजिए, इसमें डिटेल नहीं लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। अंजना जी, ठीक, अंजना जी, ये सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आता है, जिसमें रिलेटिंग टू अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड लिखा है। मैं कुछ कहूं, वही मैं बता रहा हूं, कुलदीप जी जवाब, जो कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% हुआ उसका फायदा पहुंचा कारोबारियों को, उससे मनीष सिसोदिया जी का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। अब उनको प्राइमरी फेसी में क्या लगा क्या नहीं लगा वो दूसरा विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि आप बताइए कि आज इस केस को चलते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और 1 साल में कोई मनी ट्रेल नहीं मिला ईडी को अभी तक,
कोर्ट लास्ट टाइम भी कहता रहा कि सबूत लाइए, सबूत नहीं है ईडी के पास, ना एक रुपए की एक पैसे की रिकवरी है, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, पैसा किसके पास गया, पैसा कहां पर गया, किसके अकाउंट में गया, ईडी के पास कोई नहीं है। ईडी ने इतनी जांच कर ली, ईडी ने सब कुछ कर लिया, ईडी ने 500 ज्यादा लोगों को उठा लिया, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। यह अपने आप में एक पहले तरह का भ्रष्टाचार का मामला है, जहां पर ईडी को एक साल में ईडी के हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन अंजना जी, यह मामला जो है शराब नीति का नहीं है। आज से पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 2015 में जब सरकार बनी थी, जब भाजपा की 3 सीटें आई थी, जब मोदी जी का पूरे देश में चल रहा था और दिल्ली में आके 3 सीटों पर रुक गया, उसके बाद से कहानी शुरू हुई। 400 फाइलें संगुल कमेटी उठा के लेके गई थी, मुख्यमंत्री जी का दफ्तर, उनका ऑफिस, उनका घर, सबको उठा के छानबीन की गई थी। क्या मिला उन फाइलों में? कुछ नहीं मिला अंजना जी। लगातार ये चलता रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश जो की जा रही है, इनका ये मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले और उसके बाद आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे। इंडिया गठबंधन में जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े नेता को जेल में डाला जाएगा, उसके बाद वहां चुनाव लड़ा जाएगा। अरे ऐसे चुनाव जीतोगे क्या लोकतंत्र के अंदर? अरे आमने सामने आके चुनाव लड़ो, टक्कर में चुनाव लड़ो। जनता के लिए तुमने काम किए होंगे, जनता तुमको वोट देगी, हमने काम किए होंगे, जनता हमको वोट देगी और जनता तय कर देगी। और दिल्ली के अंदर ये 3 बार तय हो चुका है, 2015 में तय हुआ, 20 में तय हुआ, उसके बाद निगम चुनाव के अंदर तय हुआ और अब लोकसभा में भी तय हो जाएगा। इनको जितनी तानाशाही करनी है, जितनी गुंडागर्दी करनी है, अभी अरविंद केजरीवाल जी का नंबर है, वो एक बड़ी पार्टी के नेता है इंडिया गठबंधन के, आज उनका नंबर है, कल हेमंत सोरेन जी का नंबर होगा, परसों अजीत पवार जी का उसका नंबर होगा, क्या नाम है तेजस्वी यादव का नंबर होगा। तो लगातार ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती तो अजीत पवार आज इनकी पार्टी में नहीं होते, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, सत्ता घोटालेबाज कहते हैं, नारायण राणा इनकी पार्टी में नहीं होते, आज हेमंत शर्मा इनके मुख्यमंत्री नहीं होते। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये मामला डर का है, लोकसभा चुनाव का है और इस डर को दिखा रहे हैं आज। ठीक है कुलदीप जी, मैं लौट रही हूँ, आप गौरव जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको मैं पूरे भारत का नक्शा भी दिखाऊंगी, एक बार फुल फ्रेम ग्राफिक्स दिखाइए। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर, देखिए यहां पर रडार पर विपक्ष के कितने नेता हैं जांच के रडार पर, वो हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बैंक केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस, क्रिकेट फंड का मामला, एक एक राज्य के हम ग्राफिक्स जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको कि कहां कहां किस राज्य में किस पर चार्ज। दिल्ली आइए, राघव चड्ढा, चरणजीत सिंह चन्नी, ये पंजाब के हम दिखा रहे हैं आपको। अगला दिखाइए, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड केस में, अखिलेश यादव यूपी में, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, इधर लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तमाम स्टेट्स के आंकड़े हैं, इन सब पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले रोहन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहती हूं। 11 मार्च 2023 एआईसीसी मीडिया सेल चीफ पवन खेड़ा ये दावा करते हैं कि हमारे ही नेता ने सबसे पहले एलजी को रिटन कंप्लेंट दिया था शराब घोटाले में, और हमने ही शराब घोटाले में सबसे पहले कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई आज हो रही है आप सरकार के खिलाफ। कहां खड़े हैं आज आप लोग, जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने कार्रवाई की है, कहां खड़े हैं आप लोग? अंजना जी, हम वहीं खड़े हैं जहां पे हमको खड़ा होना चाहिए, जहां पे देश की जनता चाहती है कि हम खड़े रहें। देखिए, पहले तो गौरव भाटिया जी ने शायरी से अपनी बात की शुरू की थी, उसका मैं जवाब दे दूं। जब जब अटकती है भाजपा की सत्ता की सीढ़ी, तब तक पहुंच जाते हैं सीबीआई और ईडी। जब से भाजपा सरकार शासन में आई है अंजना जी, 5422 पीएमएलए के मामले हुए पूरे देश में। मैं चैलेंज के साथ भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि बता दे कितने भाजपाई नेता उसके अंदर में है, वो जाने दीजिए। अभी जो आपने पूरा मैप दिखाया, उसके सिवा ऐसे नेता जिसने भाजपा की इस नैया में डुबकी लगाई वो साफ हो गए, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। नारायण राणे के खिलाफ 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जहां पे उनके ऊपर छापा गिरा जैसे ही वो भाजपा में ज्वाइन किया। आज मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा वो केस का क्या हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खिलाफ करप्शन का ब्राइबरी स्कैंडल की बुकलेट बीजेपी ने जारी की थी, वो जब भाजपा में ज्वाइन करते, मैं आज पूछना चाहूंगा उस केस का क्या हुआ। भावना गवली, जो एमपी है शिवसेना की, जिन्हें 5 ईडी के समन्स को स्किप किया, वो सरकार में ज्वाइन होगी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा उनके खिलाफ केस का क्या हुआ। यशवंत जाधव और यामिनी जाधव जो एमएलए है, फेमा वायोलेशन में इनके खिलाफ कार्यवाही हुई, जैसे ही शिवसेना में अभी शिंदे ग्रुप में जुड़े, उनके खिलाफ केस का क्या हुआ। प्रताप सरनाइक, बीएस येदुरप्पा, मैं ऐसे 50 एग्जांपल दे सकता हूं अंजना जी, कि जिस जो जो भी भाजपा में जुड़े
आप केस होने की बात जाने दीजिए, जिनके खिलाफ केसेस थे जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन के अंदर हुए वो साफ होके निकल गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अजीत पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया और 4 दिन के बाद में उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये कौन सा दो मुड़ा चेहरा है? देखिए अंजना जी, जो भी सरकार होती है, जो भी एजेंसी होती है, जो कार्यवाही सही हो वो करनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है। इसी केस के अंदर कविता जो बीआरएस के जो केसीआर है उनकी पुत्री है वो भी इस केस के अंदर है, पर मालूम है वहां पे उनका इलू इलू चल रहा है तेलंगाना में, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुद्दा यहां पे है कि विश्वसनीयता क्या है, क्या ये सरकार की विश्वसनीयता है कि 5,422 में से एक भी केस भाजपा के नेता के खिलाफ नहीं होता है? क्या इतने दूध से धुले हुए जो लोग भी जाते हैं वह साफ होकर निकल जाते हैं? अगर सरकार की विश्वसनीयता होती तो भाजपा के नेता के खिलाफ जो केस हुए थे उसको आगे लेके जाते, वो रमन सिंह की बात हो, बी एस येदुरप्पा की बात हो, नारायण राणे की बात हो, मुकुल रॉय की बात हो, शुभेंदु अधिकारी की बात हो, मैं और 50 एग्जांपल दे सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में ईडी का एरिया ही नहीं है, क्या कार्यक्षेत्र ही नहीं है? मतलब ईडी को कह दिया गया कि जहां भाजपा है वहां पे कोई केस ही नहीं होता है? ये दो मुहा चेहरा नहीं चल सकता है। अगर आप सरकार में है आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी विश्वसनीयता देश के सामने बनाए रखें। तमाम सवाल आपके लाजमी है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस अगर कंप्लेनेंट थी तो फिर क्या ईडी की कार्रवाई सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर ईडी को लगता है कि इस केस में ये हाल है तो आप जो कविता है उसके ऊपर भी करिए कार्यवाही, क्यों उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ करें उसके ऊपर सिलेक्टिव मत कीजिए। वी आर विथ यू, आप करिए, अगर आप सही है तो आप करके दिखाइए। पर ये नहीं हो सकता अंजना जी कि 5,422 में भी एक भी भाजपा ही निकल नहीं सकता, सारे दूध के धुले हुए, ये नहीं हो सकता। आपकी विश्वसनीयता आपके देश के सामने है और एजेंसी का दुरुपयोग आप जितना कर रहे हैं किसी ने नहीं किया। ठीक है, एक बार अरविंद वाजपेयी बोल रहे, उसके बाद से गौरव जी आप बोलिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन सवाल यही है कि अब आप ये क्या है, मतलब संयोग है, प्रयोग है? तमाम नेताओं की लिस्ट देख लीजिए, सब विपक्ष के बड़े नेता हैं। कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता है जिसके खिलाफ ईडी ने जांच तेजी से की है? बल्कि उधर से अजीत पवार आ जाएं, नारायण राणे आ जाएं, सब धुल जाते हैं एकदम साफ चक चक। जी, अभी ये रोहन गुप्ता जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना, इनसे बढ़िया आर्ग्यूमेंट विद डाटा एंड स्टैटिक्स सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक आर्ग्यूमेंट किया था। 18 पार्टियों ने पिटीशन फाइल की थी और उसमें यही सब कहा था कि इतने केस बनाए हैं, उसमें इतने विपक्ष के नेता है, इतना ये है, इतना वो है, और प्रेयर की थी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारे घर में सोफे पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें, नंबर वन हमको अरेस्ट ना करें, नंबर टू हमको हरेस ना करें। ये सारा आर्ग्यूमेंट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फेक के पिटीशन मार दी, डिसमिस कर दी। मतलब क्या हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल के बाद ये वही डाटा वही टेप लगा देंगे रोज के रोज, तो जनता समझ रही है। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई रुक नहीं सकती है, चाहे ए के खिलाफ है चाहे बी के खिलाफ है, एजेंसियां अपना काम करेंगी और वो काम अभी नहीं कर रही है। वो जब रोहन गुप्ता की सरकार थी तब भी किया करती थी। याद करिए, लालू यादव का केस किसने बनाया था, किसकी सरकार थी, देखिए भूला थोड़ी जाएगा। देखिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी, चाहे जितना ये लोग शोर मचाते रहें, चाहे जितना ये कहते रहें कि पॉलिटिकल वंडटा है, वॉशिंग मशीन है, ये है वो है, ये चलने वाली चीजें नहीं होती। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ शिकायत है और जिसके खिलाफ जरा सा भी बाल रत्ती भर भी अगर एविडेंस मिलेगा तो फिर कड़ियां जोड़ी जाती हैं, और वो कड़ियां जब जुड़ती हैं तो कोर्ट में जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए, चाहे निचली अदालत के, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, और निचली अदालत 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना है और वो जाते ही डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, किसी केस में नहीं हो रहा। सब केस में बकायदा रिमांड मिलता है, और रिमांड इसलिए मिलता है क्योंकि ये सच्ची बात बताते नहीं है। कोई कहता जी याद नहीं है, कोई कहता जी मैं भूल गया, तो कॉपरेट नहीं करते, तो इसलिए फिर रिमांड मिलता है और फिर एविडेंस कलेक्ट होते हैं और रेड होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये कौन मानेगा इस बात को कि जी कितने नेता बंद हैं, इनके मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, संजय सिंह, और इनका भी नंबर आ रहा है, इनके खिलाफ अगर एविडेंस होंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा इनको अरेस्ट होने से। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। उसको पता है कि मेरे को अपना केस कैसे मजबूत बनेगा, किसको पकड़ूंगा, तो कैसे सबूत मिलेंगे। अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में केस बिल्कुल नहीं ठहरता है। और इसमें आपने 35 नंबर जो पन्ना पढ़ा है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप मिस कर गए।
उसमें उन्होंने साफ कह दिया दो लाइनों में, दस द न्यू एक्साइज पॉलिसी वॉज मेंट टू गिव विंडफुल गेन्स टू सेलेक्ट फ्यू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, हु इन टर्न हैड एग्रीड टू गिव किकबैक्स एंड ब्राइब। ये ऑफेंस है कुलदीप जी, जो 338 करोड़ के फायदे की बात कर रहे हैं ना, उस पैसे से ब्राइब दी गई है, उस पैसे से किकबैक दी गई है, और उसके सबूत बकायदा हैं। और उसके सबूत में एक इंपॉर्टेंट सबूत होता है अप्रूवर की स्टेटमेंट, जो सरकारी गवाह बना है, और सरकारी गवाह सिर्फ एक कंडीशन पर बनता है, उसको डिक्लेरेशन देनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैक्ट रखूंगा। ईडी बंदूक की नोक पे बनाती है सरकारी गवाह, बचा सजा में भी नहीं जुट पाओगे। नहीं ठीक है, गवाह तो जो है किसके बंदूक की नोक पर, ये राजनीति का मामला नहीं है। इस लाइन का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कुलदीप जी, क्योंकि आप सिर्फ जो 31 नंबर पर लिखा है उसे देख रहे हैं। जजमेंट में कोर्ट ने इसे सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए मतलब सही माना है और कहा है इट वाज मेंट हैड बीन अग्रीड टू गिव किकबैक्स एंड ब्राइब्स। घुसखोरी की बात की है, इस पर तो जवाब दीजिए। देखिए ये कोर्ट, अंजना जी, ये कोर्ट ने भी माना है कि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन को डिले करने का काम किया है, और इसलिए कोर्ट ने वहां पर कहा कि 6 महीने में ईडी अपनी सारा ट्रायल पूरा करे। और आप भी जानते हैं कि पीएमएलए के केस में जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता है तो जमानत नहीं होती, जो बार बार कहते हैं बेल नहीं होती है। ये दो कानून ऐसे है, और दूसरा कानून ये आपका जो पीएमएलए है, लेकिन दोनों केस सवाल से भाग रहे हैं। ये दोनों केस वही है, तो जो बार बार पॉइंट है आपका, बार बार जो कहा है कि आप टाइमबद्ध तरीके से जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि ईडी, कुलदीप जी मैं आपका पूरा जवाब सुनूंगी लेकिन मेरे सवाल का कोशिश तो कीजिए जवाब देना। मैं मान रही हूँ कोर्ट ने कहा आप जल्दी से इसकी हियरिंग पूरी कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि लटकाया जा रहा है मामले को, लेकिन जब सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किकबैक्स एंड ब्राइब्स की बात, घुसखोरी की बात कोर्ट ने की है, उस पर आपका क्या जवाब है? पन्ना नंबर 35 41 पेजेस के इस जजमेंट में इस पर जवाब दीजिए कुलदीप जी। अंजना जी जिस बार बार आप करप्शन की ब्राइब की बात कर रहे हैं वो केवल किसी एक व्यक्ति के बयान पे आधारित है, और 2011 का मुझे शायद मैं अगर सही हूं तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई थी कि किसी एक व्यक्ति के कहने पे आप किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन उसको बाद में दोबारा मोदी सरकार ने चालू कर दिया और उसी आधार पर आप कोई कह देगा कि इन्होंने यहां पैसे दिए यहां पैसे लिए, उसके अंदर कोई भी लेन देन का कोई भी मनी ट्रेल का कोई सबूत दिया क्या? जजमेंट में कोई सबूत आया क्या कि भाई ईडी ने यह सबूत सबमिट किया है, इसके अकाउंट में पैसे गए, इसके पास पैसे गए, वो पैसा कहां यूज हुआ? कुछ नहीं पता। पैसा किसके पास गया पता नहीं, कहां गया, किसके अकाउंट में गया पता नहीं, कहां गया, पैसा किसको दिया किसी को नहीं पता, ये कोई पता ही नहीं है। मतलब कोई रिकवरी हुई नहीं रिकवरी हुई, तो ईडी ने तो ना रिकवरी करी ना सीबीआई ने रिकवरी करी, ना रिकवरी होगी कहां से? जब ईमानदारी से कोई पॉलिसी बनी, और मनीष सिसोदिया जी एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है जिन्होंने लाखों बच्चों के स्कूलों के भविष्य को संवारने का काम किया है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, तभी तो नहीं मिला, वरना बताइए इतनी एजेंसी मोदी जी की आज काम कर रही है, तोता मैना दोनों काम कर रहे हैं, बिचारे कोर्ट में एक साल के अंदर सबूत नहीं रख पाते हैं, जनरल जी बताइए कैसा विषय। और कोर्ट ने ये कहा कि ये केस ट्रायल में आने के बाद, आप इसको भी पढ़िए ना, इसको भी कहिए कि कोर्ट ने कहा कि ये केस ट्रायल में आने के बाद 10 मिनट नहीं टिकेगा क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। अब आप बिना सबूत के किसी को पीएमएल एक्ट में फंसा के एक साल डेढ़ साल जेल में रखो, ट्रायल को डिले करते रहो, तो ये कहां की प्रक्रिया है? ये कहीं की प्रक्रिया नहीं है अंजना जी। ठीक है, जवाब दीजिए अब गौरव भाटिया जी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का घेरा, पहले मैं जो और उसी के साथ जो इन्होंने कहा है उसका जवाब। देखिए आपके सवाल का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले कैसे देखिए गलत तथ्य बोले जाते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना है ही नहीं। शराब के कांड में वसूली करनी, इन्होंने कहा ईडी के मामलों में बेल नहीं होती है, इनको बता दूं गलत कह रहे हैं, बेल मुश्किल होती है, ट्विन टेस्ट एक है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उसको अगर आप सेटिस्फाई करते हैं बेल होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हाँ अंजना जी आपने कहा था कि कोर्ट ने कहा है कि मामला लटकाया जा रहा है, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, पैरा नंबर 27 एक लाइन पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए, यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है ना ईडी सीबीआई, उसने बल्कि न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि पूरा ट्रायल
6 से 8 महीने में हम खत्म कर देंगे, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रायल में कई साल लग जाते हैं। यह है पैरा 27 आखिरी लाइन। तो ये भी बात आप जान लीजिए कि कोर्ट ने नहीं कहा कि लटकाया जा रहा है, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि हम इसको 6 से 8 महीने में खत्म करेंगे। तीसरी बात, आपने एक सवाल किया, आपने इनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, इस पे क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप मानते हैं? अराजक अपराध पार्टी पापी आपके प्रवक्ता इधर उधर घूमते रहे, एक बार वो नहीं बता पाए जजमेंट में कौन सी लाइन है जिसमें ये लिखा है कि 10 मिनट के अंदर ये जो पूरा मामला खत्म हो जाएगा, नहीं बता पाए। इसी तरह से देखिए कांग्रेस पार्टी भी कंफ्यूज है, वो कविताएं तो कर रही है। मनी ट्रेल कहाँ है गौरव जी? मनी ट्रेल ठीक है, बीच में मनी ट्रेल कहाँ है गौरव जी? हाँ अंजना जी, आप जो मनी ट्रेल की बात कर रही हैं ना, वो पैराग्राफ 338 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ और क्विड प्रो को आया है, और बाकी विजय नायर के थ्रू भी जो रिश्वत ली गई है, वो सारी बातें इस जजमेंट में है। मनी ट्रेल अगर नहीं होता तो ईडी का जो मुकदमा है वो गिर जाता। जब बेल नहीं हुई, इसका मतलब प्रथम दृष्टया मनी ट्रेल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और इन्होंने जो एक्सचेकर है उसको नुकसान किया है। अब मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी पे। देखिए कांग्रेस पार्टी के अजय माकन एक बड़े नेता माने जाते हैं। शांत शांत जवाब नहीं, मनी ट्रेल नहीं बताया इन्होंने जी। ठीक है कुलदीप जी, जवाब मनी ट्रेल नहीं बताया गौरव भाटिया जी ने, जवाब उधर चले गए घूमने, जापान अफ्रीका चले गए, मनी ट्रेल नहीं बताया। अंजना जी अच्छा नहीं लगता, देखिए पढ़ लिख के आए नहीं है, चिल्ला रहे, बीच में टोक रहे, क्यों? मैंने ये सुनिश्चित किया, मैं इनके बीच में बोला था क्या? बोलिए अंजना जी, ये बार बार मनी ट्रेल कह रहे। एक बात की और जानकारी दर्शकों को भी दे दूं, 31,000 पेज की जो है एक चार्जशीट है, और दूसरी 25,000 पेज की जो ईडी की चार्जशीट है उसमें पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड है, और इसीलिए कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बेल नहीं दी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कविताएं पढ़ रहे थे। अरे मैं ये कहूंगा, सोनिया गांधी कह रही हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊ कैसे, हुआ बू काला भ्रष्टाचार में, जनता के बीच में जाऊं कैसे। क्यों कह रहा हूं? अजय माकन जी खुद ये मांग कर रहे थे कि जो अराजक अपराध पार्टी के नेता हैं इनकी गिरफ्तारी हो, और मेरे हाथ में कांग्रेस इकाई के इनके पूर्व अध्यक्ष का ट्वीट है जिसने कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। और नेशनल हेरल्ड घोटाला, आपने अच्छा किया कहा कि इन पे कार्रवाई हो रही है, क्या ये सत्य नहीं है? अंजना जी मैं चुनौती देके कहता हूं, 9.5 साल में किसी राजनीतिक लीडर के खिलाफ अगर ईडी सीबीआई ने मुकदमा किया और उच्च न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्वाश किया हो राजनीतिक द्वेष के कारण से, नहीं किया। दूसरी बात, ये 14 दल जो भ्रष्टाचारी हैं, सर्वोच्च न्यायालय गए थे, अंजना जी याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने इसी तरह की दलीलें दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तीसरी बात, मेरे हाथ में देखिए, नेशनल हेरल्ड घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सुप्रीम कोर्ट गए। शांत कराइए, देखिए अंजना जी आप सुनिश्चित करेंगी? ठीक है, अगर शांत कराइए, सिर्फ एक जवाब, 6 केस है रोहन जी, 6 केस है। मैं आपकी तरह नहीं करता, 6 केस है। एक बार वो ग्राफिक्स चला दीजिए, सिर्फ 6 केस है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। गौरव भाटिया जी बात पूरी कीजिए। नहीं नहीं, भाजपा के जो नेता है बताइए। धन्यवाद, सुनिए अंजना जी उचित नहीं है, दोनों लोग बीच में टोकेंगे, इनकी बात हम सुनेंगे, उचित नहीं है, इनको भी नियंत्रित रहना चाहिए। धन्यवाद। देखिए सोनिया गांधी नेशनल हेरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट गई, राहुल गांधी भी गए, आपको मालूम है उनकी याचिका को निरस्त किया, मेरे हाथ में वो आदेश है। अब आप बताइए, जब ईडी पूछताछ करेगी, सीबीआई पूछताछ करेगी, तो ये क्यों छाती पीटेंगे? भाई देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका खारिज करी, इसका मतलब प्रथम दृष्टया आपने भ्रष्टाचार किया है। और इसके बाद इन्होंने बार बार कहा कि भाजपा के किस नेता के ऊपर कार्रवाई हुई, तो मैं इनको एक बात और बता दूं। ठीक है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश मानता है ईमानदार पार्टी है, हमारे नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। कांग्रेस को ये मानता है कि इनको पूरा निचोड़ दीजिए हर नेता के अंदर से। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दफ्तर में बुलाया है, अगर वो पहुंचते इस खबर पर रहेगी नजर, देखते रहिए आज तक।